अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मीठी टिक्कियाँ। उसके लिए हम पहले आटा गूंदेंगे। उसके लिए एक प्याली मैदा, आधी प्याली जो है ये सूजी की लेंगे। चीनी को दूध इसमें डाल के पानी डालेंगे और चीनी को मिक्स कर लेंगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने दूध के साथ गूंदना है तो आप चीनी को पाउडर फॉर्म में लें। ये हम इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, शीरा टाइप बना लेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे और अब इसमें जाएगा इलायची का पाउडर। ताज़ा इलायची पीसें, ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। और ये हमारे पास है तिल, आधी प्याली, आधी प्याली तिल जाएंगे। इसमें सफ़ेद तिल लें, ये मिक्स हो गया। और एक प्याली हमारे पास है कुकिंग ऑयल, आप घी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिक्स की हुई चीनी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत लिक्विड फील हो तो इसको थोड़ी देर रखें, इसकी सूजी फूल जाएगी, बिल्कुल भी टाइट हो जाएगा। फिर भी महसूस हो तो फिर आप मतलब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं सूजी की या मैदे की। अब इसे थोड़ी देर हम रखेंगे, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा और फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। हमारा गुन चुका है, अब हम इसमें एक लेयर में पहले ड्राई फ्रूट डालेंगे, इसको गूंदेंगे। अब इस लेयर में डालेंगे, अब ये वाली साइड में डालेंगे। आटा हमारा रेडी, अब इसकी टिक्कियां तैयार करते हैं। इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। इसको थोड़ा फ्लैट करें। अब इसको लेवल कर लें। बस ये देखिए, बड़े साइज की बनाना चाहें बड़े साइज की बना लें। इसमें हम हाँ जी गर्म हो चुका है, अब इसमें ये टिक्की डाल दें। इनको हल्की ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये भी नरम, इनको एक साइड को पकने देंगे। ये देखिए हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत अच्छी रेडी हुई हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आएंगे। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।